नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है हरियाणा की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। हरियाणा को तीन जोन में बांटा, बावरिया ने लोगों से मांगे सुझाव। हरियाणा में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था। कांग्रेस का वोट प्रतिशत उम्मीद से कहीं अधिक बढ़ा है। लोगों ने भाजपा के विरुद्ध वोट दिया है। हरियाणा को तीन जोन में बांटकर अलग अलग ईमेल जारी किए गए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति रहने वाली है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि रिमांड पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर, आखिर किस केस में पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी केशव। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का हत्या आरोपी बठिंडा निवासी शार्प शूटर केशव कुमार को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है। उस पर आरोप है कि उसने पंजाब के तरन तारण जिले के गोइंदवाल साहिब जेल से व्हाट्सएप कॉल कर यूट्यूबर से फिरौती मांगी है। इसके साथ ही उसके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो है फरीदाबाद से। फरीदाबाद में हुड्डा ने भरी विधानसभा चुनाव में जीत की हुंकार। फरीदाबाद जिले में आज प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हुड्डा ने कहा कि तीन महीनों में जनता के घर के दरवाजे तक दस्तक देंगे, कांग्रेस और भाजपा के राज में हुए काम के बारे में बताएं। वहीं उदय भान ने कहा कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होता, कोई कार्यकर्ता घर में नहीं बैठे। आगे की खबर को बढ़ते हुए बता दें कि कर्मचारियों को लेकर दुविधा में सैनी सरकार, कार्रवाई और राहत के फैसले अटके। कैबिनेट बैठक से थी उम्मीद। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुकी हरियाणा सरकार अब कर्मचारियों से संबंधित फैसले लेने में पेशोपेश में है। चेतावनी दिए जाने के बावजूद हरियाणा सरकार ने ना तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों की कोई सूची जारी की जिन्होंने विपक्ष बोगस वोटिंग में मदद की, और ना ही ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकी। इसके अर्थ कर्मचारियों की नाराजगी को देख पक्के और कच्चे कर्मचारियों को सरकार से राहत के फैसले की आस है, लेकिन इस प्रकार के फैसले लेने में भी सरकार झिझक रही है। अगली खबर हरियाणा की है, जो जहां शाह के नेतृत्व में बनेगी विधानसभा चुनाव की रणनीति। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू। हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने की कवायद में जुटी भाजपा की आज पंचकुला में अहम बैठक हो रही है। सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। साथ ही हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें।